बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि दोनों माँ बाप अच्छे इंसान भी हों, और अगर अच्छे इंसान नहीं हों तो बेहतर है कि ना ही हों। अबीर का मसला तो संभाल लिया मैंने इस दफा, लेकिन अबान की फिक्र हो रही है मुझे, और जितना जिद्दी वो है मुझे लगता है हॉस्टल ही जाएगा। बेसमेंट वाले ना वो लोग, उनको ना अबान की आवाज बहुत अच्छी लगी है। भाई खाना खा लो, और अबान की अम्मा कहीं मान ही ना जाए इस बात के लिए। हीरो क्या चल रहा है? हेलो हेलो, फिर से जीत गए? जीते नहीं है, कुछ जबरदस्त जीते। कल असेंबली में फिर से अनाउंसमेंट होगी। यार असेंबली में होती है ना, स्कूल के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। कभी कभी ना मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी भी स्कूल में अनाउंसमेंट हो। होगी इंशाल्लाह वेरी सून। म्यूजिक पर हो सकती है, लेकिन बाबा कभी होने नहीं देंगे। अबान सब होने देंगे, अगर तुम मेरी बात समझ लो ना, जो मैं कहते रहता हूँ कि पढ़ाई बेहतर करो, ग्रेड्स बेहतर करो, सब हो जाएगा। हीरो एक बात पूछूं? जी। झूठ बुलाना मुझसे गाड़ी में। टेस्ट पेपर्स किधर है? फिर से फेंक दिया। अबान क्यों? पेपर्स को फेंकता है, मार्क होते हैं, बाबा के साइन होते हैं, उसमें 10 चीजें होती हैं। टीचर से कह दूंगा गुम हो गए। मतलब कि पेपर फेंकना ऑलरेडी गलत, ऊपर से टीचर से झूठ। भाई 11 नंबर आए थे। मेरी जान 11 आए, पहले 5 आते थे, 6 आते थे, ये इम्प्रूवमेंट है। बाबा ये बात नहीं समझता। अबान देखो, बाबा समझे ना समझे, जो गलत है वो गलत है ना, पेपर फेंकना गलत है। क्या आप बाबा को बता देंगे? पेपर फेंक दिए यार अबान। खाना खाया? खैर हाय। हेलो, ये सब तुम्हें छोड़ने आते हैं? अजाब है। तुम्हारे बाबा क्या काम करते हैं? करते पता नहीं क्या है, लेकिन फैमिली का बहुत सारा पैसा है। पॉलिटिशियन है क्या? पता नहीं, बिजनेस भी है। साइन करवा लिया?
अजान रात को ही बता देते, इतनी दर्द हो रही तुम्हें पाँव में। नहीं थी मामा रात को इतनी, अभी हुई है, ये अभी नहीं इसको रखने में। क्यों भाई? अच्छा नाश्ता करोगे तो फिर मैं डॉक्टर के लेके जाऊंगी तुम्हें। माँ। हेलो, क्या बात है, खैरियत? कौन डॉक्टर के पास जा रहा है? ये देखें जी, रात को फुटबॉल में ये हाल किया इसने अपने पाँव का। अरे जवान लड़का है, सही हो जाएगा। थैंक यू, मैं भी यही कह रहा हूँ। तुम लोग का कल का मैच तो बहुत अच्छा रहा है ना? बताया था मैंने कल के मैच का, बहुत अच्छा है ही मेरा विनर बच्चा। दूसरे भी कोई लूजर्स नहीं है। पता है अबान को बेसमेंट वालों ने बुलाया है। नहीं ये कब हुआ? क्या बेसमेंट? क्या टीचर तुम भी ना, बेसमेंट एक म्यूजिकल प्लेटफॉर्म है यंग टैलेंट के लिए। दुआ और अबान ने अपना एक सॉन्ग अपलोड किया था, उनको अबान की आवाज बहुत अच्छी लगी, वो चाहते हैं कि अबान उनके इस सीजन में परफॉर्म करे। दुआ के पास ईमेल आई है। ये बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़ है, और अबान के लिए अपॉर्चुनिटी कमाल है। और वो जब वो जाएगा उसमें तो फिर जो थोड़ी सी तवज्जो उसकी एजुकेशन की वो भी खत्म हो जाएगी। लेट्स नॉट गो देयर प्लीज। जावेद भाई अबान बहुत टैलेंटेड है, आई थिंक उसको एक चांस तो मिलना चाहिए। विजया जी देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अपने बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए। दे नीड योर अटेंशन। जहां रही बात मेरे बच्चों की, वी नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम एंड दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चलती हूँ, प्लीज बैठो। और वो जो अकाउंट है आप जो कहती थी दुआ ने और अबान ने इकट्ठे बनाए, उसमें से अबान को निकाल दे, खुद उसने जो करना प्लीज करे। ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई नो, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी यार, किसी को तो कहना था ना। ये देखो किस तरह परवरिश हो रही इनके बच्चों की, तो घर नहीं होती, देयर इज नो अटेंशन। उसके बच्चों को चाहिए उसकी तवज्जो। अब वो ऑनलाइन क्या क्या कर रहे हैं हमें क्या पता। तुम्हारी दोस्ती की हद तक बिल्कुल ठीक है, इट्स गुड। मैं अपना फोन भूल गई। तुम अबान के लिए परेशान मत हो, उसका यह टैलेंट अपनी माँ की तरफ से ही आया है। लेकिन अगर माँ ही अपने टैलेंट को नहीं समझ सकी तो अबान के लिए क्या समझेगी? अकेले बैठे हो, घर नहीं गए? नहीं, बहन का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं छुट्टी के वक्त कहाँ गायब हो जाती है। लाइब्रेरी में भी नहीं है आज, क्यों? मूड नहीं हो रहा था और वैसे भी सीख लू मिलेगा आज। बहाना। सुनो डरते क्यों? मुझे भी बहुत डर लगता है। क्यों? बाबा अम्मा को मारते हैं और नई माँ भी ले आए। तुम्हारी दो दो माँ? हाँ हमारे यहाँ सबकी दो दो तीन तीन लग, और सबको मार पड़ती है। जो ज्यादा पुरानी होती है उनको ज्यादा पड़ती है। और तुम्हारी मामा पुरानी है? हाँ। बाबा जब अम्मा को मारते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, डर भी लगता है और गुस्सा भी आता है। मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। क्या क्या करते?
डर का सोल्यूशन। ये क्या है? डर का सोल्यूशन? ये तो चिट है। इस चिट में जो है तो तुम्हें हर डर से दूर करेगा। ये तुम्हारे सुकून की चिट है। फरदान रुक जाए अगर भाई कभी दोस्त के लिए भी। फरदान हो गया जी। फरदान फरदान आखिर तुमने जाने कैसे दिया उसके साथ? मामा वो बचिया है, बच्चों का क्या कसूर है? एटलीस्ट ये तो बताए ना कि वो कहाँ है। यही तो मसला है, वो जहाँ है सेफ नहीं है। हमें अभी फौरन FIR दर्ज करवानी होगी, बिकॉज दिस इज फर्स्ट स्टेप टू गेट हर आउट, सो प्लीज लेट्स गो। उसने कहा तो वो प्लीज कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी, अभी निकले थाने, कोई देर नहीं करनी, प्लीज जल्दी से। आप लोग नहीं जा रहे, आप लोग इधर ही रहें। फिरोजा भी प्लीज इनका ध्यान रखें। नहीं करना चाहिए था यार, मैंने क्या कर दिया यार, ये क्या कर दिया? मुझे मम्मा के पास जाना, मुझे मुझे यार नहीं रुकना। मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या मसला है तुम्हें, क्यों इतना शोर मचा रही हो? बाप है, बाप अपनी बच्ची को इस तरह किडनैप करके लाते हैं। किडनैप? ये तुमसे किसने कह दिया? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हारी माँ को सबक सिखा सकूँ। बहुत ऊंची उड़ रही थी ना, उसके पर काटूंगा। कौन? राशिद। काम और कहते तुम, दुबई का वीजा इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो सकता, इन मामलात में टाइम लगता है। I don't care. तो किसने कहा था कि बच्ची को इतनी जल्दी अगवा कर लो? मैंने कहा था। भूख तो आप सब लिया मामा। मुझे नहीं पता, मुझे जल्द से जल्द इस मुल्क से निकलना है, मुझे चाहिए ये वीजा। बच्चे नहीं खिलाने तुमसे। कुछ नहीं किया। Thank you.
समझ में नहीं आ रही, क्या जरूरत थी तुम्हें थाने जाने की फिर उस घटिया आदमी के पास? जावेद वजीहा मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहनों की तरह है। बहनों की तरह होगी लेकिन बहन नहीं है। उसे वो अपने मसले खुद हल क्या करे। मैं पहले बहुत परेशान हूं, प्लीज आप तो अंडरस्टैंड करें ना इस सिचुएशन को। समझ रहा हूं इसलिए समझाने की कोशिश कर। घटिया इंसान है वो, अरे अपनी बेटी है यार। कल को अगर उसने अपीर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी भी बेटी के साथ इस तरह हो जो दुआ के साथ हुआ है। इसी माँ की सोहबत में यही होगा। अच्छा गया। अब प्लीज तुम इस केस में और मजीद इन्वॉल्व ना हो प्लीज। सर सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं आज नहीं आ सकती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप प्लीज आलिया से बात करें ना। जी जी आई नो, चलें आलिया से नहीं तो आप फरहीन से पूछ लें, वो ही से स्विच कर ले प्लीज। सर मेरी घर की सिचुएशन ऐसी है, मैं नहीं। फोन बंद करें। फोन बंद करें। अच्छा सर मैं कुछ करती हूँ। ओके आप जाएं एंड रिलैक्स, मैं हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ ना मैं हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ मम्मा। ने मुझे मना किया था कि अबान को बेसमेंट का ना बताऊं, तो मैंने बता दिया। वही क्या किया तुमने? अबान क्या, कैसे सो रहे हो? कैसे? अजीब से बिस्तर के दरमियान में। वो रात को नींद नहीं आ रही थी, फिर मच्छर इतने थे। तो स्प्रे कर लेते? वो नींद आ रही थी। अभी तो कह रहे हो नींद नहीं आ रही थी। यार मामा आप भी सुबह सुबह। अच्छा जल्दी करो, भाई और अभी टेबल पे हैं, बाबा भी टेबल पे बैठे हुए हैं, क्विकली। उठ गए जनाब? हाँ उठा दिए, आज तो अजीब तरीके से सो रहा था। ये हर चीज नायाब है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ बाबा? कुछ भी नहीं हुआ।
देख रहे थे तुम मुझे, क्या बात है? क्या हो गया जावेद? मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। मुझे पता है बड़े हो रहे हो सर, इसलिए आपका दिल चाहता है कि अपने बाबा के ना हर बात का सवाल करें, लेकिन मैं आपको ये राइट दे नहीं। आई नो व्हाट आई एम डूइंग विद द बाबा। चलिए आगे, हजूर जिनके लिए आप मुझे देख रहे थे। वाह, वेलकम, क्या खूब हाल बनाया हुआ है आपने। इतनी बड़ी उम्र हो गई लेकिन जिप बंद करनी नहीं आई, बंद करो इसे, बदतमीज। अबान प्लीज। यहां क्यों बैठे हो? वैसे ही कंपाउंड में शोर बहुत हो रहा है। अच्छा नहीं लगता ना शोर? घर में भी शोर, फिर यहाँ पे भी शोर। चिट का फायदा नहीं हुआ? हुआ। यूज किया? कैसा लगा? बिल्कुल वैसा जैसे तुमने कहा था। और लाओ? तुम लाते कहाँ से? वो तो मुझ पे छोड़ दो, लेकिन हर बार फ्री में नहीं आ सकती। अच्छा तुम ले आओ मुझे जरूरत है, आज मेरी तरफ से, लेकिन कल पैसे लेकर आना। कितने? 1000। 1000? कल फ्री में नहीं दे सकता। ओके, डोंट वरी, तुम ले आओ। चले अभी बैठते हैं थोड़ी देर। ओहो भाई, कहाँ रख के भूल गई मैं। लो ये रखा हुआ। हेलो। सलाम फिरोजा भी। वालेकुम अस्सलाम खदीजा, तुम कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या हो रहा था? कुछ खास नहीं, बस वो बच्चों के लिए ना लंच बना रही थी, स्कूल से आने वाले हैं ना। तो वजीहा आज भी फ्लाइट पे गई है? हाँ हाँ, क्यों, खैरियत तो है ना? जी जी खैर है, बस उसका फोन बन जा रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ भाई बहुत अरसे से जानती हूँ मैं तुम दोनों सहेलियों को, लेकिन खैर हो सही, आज जब वो तुम्हारे घर से भी आई है तो बहुत चुप चुप सी थी। नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है, मेरी उसकी लड़ाई नहीं हो सकती। ये तो है, लेकिन मुझे कुछ मसला लग रहा है बेटा। कब आएगी वो? सुबह जल्दी गई थी ना, बस 2 घंटे तक आ जाएगी वापसी की फ्लाइट पे। ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, आ जाओ ना हमारे यहाँ, अबान को भी साथ लेके आओ, मैंने बड़े मजे के सैंडविच बनाए हैं उसकी पसंद के। जी ठीक है। बताऊंगी तो फिर? नहीं नहीं बताती, इनके आने से पहले ही वापस आ जाऊंगी, इनको कौन बताएगा। Thank you.
क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। अच्छा सुनो 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 सब सुनो, सब वोट दे के अजान को गाना सुनने का हक अदा करेंगे। डन, बस एकदम फिर से डन। क्या बात है, क्या बात है। एक गोल, 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 गोल। वो एक्चुअली मुझे नीचे जाना था, लिफ्ट ऊपर आ गई जी। उस दिन मार्ट में मुलाकात हुई थी शायद, काउंटर पे आप ही थी ना? हाँ जी, सॉरी एक्चुअली वो उस दिन इतनी मुलाकात हुई नहीं थी कि मैं आपको पहचान सकती। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ये सिक्स फ्लोर जी। आपको जाना? नहीं नहीं, आप यहीं रहते हैं। क्या कर रहा है अरसलान, क्या बकवास है। अच्छा सर आ जाए। अबीर बान सोए नहीं? जा रहा हूं। अबान? हम्म, मेरे साथ चलोगे? कहाँ जाना है? फिरोजा भी ने फेवरेट सैंडविच बनाया है तुम्हारा। रियली? यस, लेकिन प्रॉमिस करो बाबा को नहीं बताओगे। क्यों, क्या वजह आंटी की घर गई थी? नहीं, क्योंकि तुम जा रहे हो, दोपहर को सोए नहीं हो ना, बाबा गुस्से हो जाएंगे फिर। We'll have fun. Okay? सफिया, सफिया जी। अबीर, सफिया आपको पता है ना कि मुझे इस जार में पानी चाहिए होता है, जब मैं उठती हूँ तो मुझे कितनी प्यास लगती है। मामा कहाँ हैं? वो काम से बाहर गई हैं। कब तक आएंगी? एक घंटा लगेगा, आ जाती हैं। मैं पानी ले। नहीं नहीं, आप छोड़ें, आप जाएं, जो नींद आ रही है मैं सो जाऊंगी। जाएं। कौन सा? ये बॉय याद है, बेबी वाला मैच। हारिस, इसकी गेम जो है ना, फिर इसका मतलब इसमें नजर रखनी पड़ेगी। नजर नहीं, बाकायदा
ओफो वो फरदान बेटा बेल हो रही है, बंदा कभी खुद भी देख लेता है, काम कर रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजान तुम यहाँ पे? मैंने कहा मैच के बाद आ जाऊँ यहीं डायरेक्ट। चलो अपना ही घर है बट फोन तो बंदा कर देता है। सॉरी फरदान। मामा किधर है? मैं अपने रूम में। इसका मतलब इस पे नजर रखनी पड़ेगी। ब्रो नहीं रखी ना तो फिर आप भूल जाएं ट्रॉफी। नहीं नहीं मैंने तो अभी मेल भी सेंड कर दी है। तुम अब बाहर जाके किसी से कुछ कहना मत। एक बार पूछ तो लेती मेरी। तुम मेरी सिचुएशन तो समझो। तुम्हारे बाबा ने मेरी मामा को डांटा है और उस के मैं जा रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो? मुझे जाने दो। कहां जा रहे हो? तुम्हारी अम्मी तो यहीं बैठी हुई है। अच्छा बैठो, बैठो। मैं कुछ खाना वाना हो गया? सफाई भी होगी? भाई भाई एक मसला हो गया। क्या हुआ? मम्मा ने मुझे मना किया था कि वान को बेसमेंट का ना बताऊं। तो मैंने बता दिया। दुआई क्या किया तुमने? फरदान दुआ बहुत सेंसिटिव इशू है, ये मसला हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब एक काम करो, आप जाओ अजय आंटी के पास, उनको बता दो कि आपने अबान को बता दिया है। वो मामा को बता देंगी और होपफुली मामा सिचुएशन संभाल लेंगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स फाइन, मैं खुद चला जाता बट टूर्नामेंट है हमारा। अब जाओ जाके बताओ। Thank you.
खैर अच्छा होता है, चंद लोग शायद पहले कर लेते अपनी बेटियों का रिश्ता, आने का फर्क होता है भाई। वालेकुम सलाम, लगा चैंपियन आए भाई। अरे वाह माशाल्लाह मेरा बेटा, I'm so proud of you. Excellent, well done, well done. शाबाश, कैसा था? Tough. कोई बात, well done. अब इलेक्शंस की तैयारी? Another stressful event. मेरा बेटा ही जीतेगा भाई. Of course, फिर कौन जीत सकता है? यार मुझे बताना, वो अबान का कोई मसला हुआ है? Something wrong? Not that I know of. क्या हुआ? साहब साधे जरा कमरे में शोर मचा रहे थे, क्या उसके पास से गिटार भी कोई डैमेज हुआ है, सोचा उससे पूछने का कोई फायदा नहीं, तुमसे पूछता हूँ. Anything that I should know of? कुछ भी. That's strange. Last I remember, वजी आंटी की तरफ सही था बिल्कुल. तुम वजिया क्या गई थी? वो जरा कल वैसे ही ना. वो तो ठीक है, लेकिन इसको क्यों लेके गई थी? मुझे वो मैच पे मैंने फरदान के साथ जाना था, मुझे ड्रॉप करने गई थी. अबान, अबान, अबान जी बाबू, इधर आ, सामने मेरे. सच बताना, मुझे आंटी कहाँ गए थे? वहां कुछ हुआ था? दुआ ने कुछ कहा है? बोलो. जी बाबा. क्या हुआ था?